नमस्ते टुम्पा की रसोई में आप सबका स्वागत है मैं हूँ टुम्पा आज हम आप लोगों को एक बेंगोलिया स्टाइल फ़िश करी रेसिपी दिखाऊंगी जिसका नाम है लाव चिंगड़ी लाव चिंगड़ी बोले तो ये दूध ही और प्रॉन्स डाल के बनाया जाते हैं खाने में बहुत अच्छे लगते हैं बहुत जल्दी भी बन जाते हैं आप मेरा वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं ये लाव चिंगड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का 300 ग्राम प्रॉन्स फिश लिया अभी प्रॉन्स फिश को हम अच्छे से साफ कर लेंगे तो आप लोग देखिए मैं कैसे साफ करती हूँ प्रॉन्स फिश अभी इसके अंदर ये जो काला धागा टाइप का है ये भी हम निकाल के फेंक देंगे ये पेट में जाएगा तो पेट का प्रॉब्लम भी हो सकते हैं आप छोटी से कट करके भी निकाल सकते हैं तो इस तरह से हम सारे फिश को अच्छे से साफ कर लेते हैं ये देखिए फिश को साफ़ कर लिया अभी हम इसको पानी से अच्छे से धो लेते हैं अच्छे से मैंने धो भी लिया अभी फिश में थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं इसको अभी हाथ से अच्छे से मिला के दस पंद्रह मिनट के लिए साइड में रख देते हैं तब तक हम सब्जी कट के रेडी करते हैं यहाँ पर मैंने ढाई सौ ग्राम लाओ लिया मतलब दूधी का सब्जी लिया अभी इसका हम छिलका निकल के अच्छे से काट कर लेते हैं ये देखिए मैंने ऐसे पीसेस करके रखा अभी इसको हम पानी में डुबा के रखते हैं फिश करी में डालने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू भी लिया वो भी हम अच्छे से काट लेते आलू ऑप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं तो है तो मत डालिए पर आलू डालने से और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आते ये देखिए मैंने आलू को ऐसे छोटे पीसेस करके कट के रखा अभी इसको हम पानी में डुबा के रखते अभी हम फिश के लिए मसाला रेडी करते हैं तो मैंने एक ग्राइंडर लिया इसके अंदर थोड़ा सा अदरक पाँच चाय हरी मिर्च एक मीडियम साइज़ का टोमेटो थोड़ा सा जीरा डाल देते और थोड़ा सा पानी भी डाल देते अभी इसको ढक्कन से ढक के अच्छे से ग्राइंड कर लेते ये देखिए सब्जी को हम अच्छे से धो के पानी से निकल के एक प्लेट पे भी रख देते आलू को भी रख देते चलिए अभी हम फिश पकाना चालू करते सबसे पहले गैस को ऑन किया फ्लेम को मीडियम में रखते गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया कढ़ाई को भी थोड़ा सा गर्म होने देते कढ़ाई गर्म हो गया, अभी हम इसके अंदर चार पाँच चम्मच सोसो का ऑयल डाल देते आपको सरसों का ऑयल पसंद नहीं तो आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते ऑयल अच्छे से गर्म हो गए अभी हम इसके अंदर ये फिश डाल देते हैं प्रॉन्स को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना आप ये फिश करी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए दूधी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं प्रॉन्स खाने में ये देखिए प्रॉन्स अच्छे से फ्राई हो गए अभी हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते वही ऑयल में हम आलू को भी हल्का सा फ्राई कर लेते इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक डाल देते अभी हल्दी नमक अच्छे से मिला देते आलू के साथ आलू भी फ्राई हो गया आलू को भी हम सेम प्लेट पे निकाल लेते अभी हुई ऑयल में हम दो तेज पत्ता थोड़ा सा जीरा डाल देते इसको हल्का सा फ्राई कर लेते अभी ऑयल में हम ये मसाला डाल देते मसाला को हम पहले थोड़ा सा भून लेते

बीच बीच में हम ढक्कन खोल के थोड़ा सा हिला देंगे ताकि मसाला जल ना जाए वापस ढक देते तो ऐसे करके कम से कम पांच से सात मिनट मसाला के साथ दूधी को अच्छे से पका लेंगे पांच सात मिनट हो गए चलिए देखते दूधी सॉफ्ट हुआ क्या नहीं ये देखिए मसाला भी अच्छे से भून गए और दूधी भी सॉफ्ट हो गए अभी हम ग्रेवी बनाने के लिए एक ग्लास का डेढ़ गिलास पानी डालेंगे इसमें पानी के साथ अच्छे से मिला देते सब कुछ अभी कढ़ाई को हम ढक के पानी को उबालने देते ये देखिए पानी में अच्छे से उबालाना चालू हो गए अभी हम पानी में आलू और प्रॉन्स फिश डाल देते अच्छे से मिला देते सब कुछ अभी इसको ढक्कन से ढक के आलू सॉफ्ट होने तक पका लेंगे मतलब फिश कड़ी को हम और भी 10 मिनट मीडियम फ्लेम में पका लेंगे 10 मिनट हो गए अभी हम वापस ढक्कन खोल के चेक कर लेते एक टुकड़ा आलू निकल के देखते हैं सॉफ्ट हुआ क्या नहीं आलू सॉफ्ट हो गया अभी हम गैस को धीमी कर देते अभी इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच घी डाल देते अच्छे से मिला देते ग्रेवी के साथ अभी इसमें थोड़ा सा काटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता डाल देते वो भी अच्छे से मिला देते चलिए मेरा लाव चिंगड़ी रेडी हो गए अभी हम गैस को भी बंद कर देते कढ़ाई को गैस से उतर के नीचे रख देते इसको हम और दो मिनट ऐसे ही ढक के रख देंगे दो मिनट हो गए, अभी हम ढक्कन खोल देते ये देखिए लाव चिंगड़ी अभी हम एक प्लेट पे निकाल लेते सर्व करने के लिए मैंने राइस के साथ खाने के लिए थोड़ा सा ग्रेवी रख दिया आप चाहे तो सूखा भी बना सकते हैं तो ये था मेरा आज का रेसिपी लाओ चिंगड़ी आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए ये रोटी राइस दोनों के साथ ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं होप मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे और अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आज यहाँ पर एंड करते मैं आगे भी आऊँगी आप लोगों के पास मेरा नया रेसिपी लेके तब तक के लिए आप खुश रहिए थैंक यू सो मच